खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का हिंदू मुस्लिम कार्ड। चिदम्बरम बोले, अगर जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो बीजेपी अनुच्छेद 370 नहीं हटाती। गृहमंत्री अमित शाह बोले, बहुत पहले हट जाना चाहिए था अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर को मिलेगी आतंकवाद से मुक्ति। अनुच्छेद 370 हटने पर सुपरस्टार रजनीकांत ने दी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई। मोदी शाह को कृष्ण अर्जुन की जोड़ी बताया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बोले पीएम, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सोच समझकर काम करें, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा कश्मीर। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज पर भी दिग्विजय का वार, बोले नेहरू जी की पैर की धूल भी नहीं है शिवराज। शिवराज ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को बताया था अपराधी। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान का तंज, बोले वंशवाद की राजनीति को जनता ने नकारा, फिर भी कांग्रेस ने नहीं ली सीट। चुनाव से पहले दिल्ली में एक्शन में केजरीवाल सरकार, मुंडका इलाके में पीने के पानी की योजना की शुरुआत करते हुए विरोधियों पर लगाया लोगों की अनदेखी का आरोप। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों को दी ईद उल जुहा की बधाई। राज्यपाल ने शांति और समृद्धि की कामना की। बकरीद के दिन बीजेपी आयोजित करेगी ईद मिलन का कार्यक्रम। एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया ऐलान। 370 हटाने को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे से पहले विदेश मंत्री का अहम दौरा।